जवाहर कला केंद्र के शिल्पग्राम में 5 दिवसीय जयपुर कला महोत्सव का आज आगाज हुआ। कला के विविध रूपों और शैलियों को एक मंच पर साकार करने के लिए आयोजित इस महोत्सव में 70 से अधिक स्टॉल्स लगाई गई है। कला महोत्सव के उद्घाटन में राजस्थान विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजीव जैन ने दीप प्रज्वलन करके किया। तो हम लोग ये मान के चलते हैं कि कला जगत में बच्चों की शिक्षा सिर्फ स्टूडियो में नहीं हो सकती है, उनको बहुत कुछ कहाँ बाहर काम देखने की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए कला महोत्सव का बहुत बड़ा महत्व है, बहुत बड़ा प्रयास है और बहुत अच्छे स्तर पे हो रहा है। बहुत कठिन काम है जो ये लोग कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा जो फाइन आर्ट्स का जो विजुअल डिपार्टमेंट है उसका भी पूरा कोलैबोरेशन। तो आप सोचिए करीब 70 स्टॉल से देश के बड़े बड़े आर्टिस्ट आए हैं, सीनियर और उभरते हुए प्रतिभाशाली बच्चे भी आए हुए हैं। इट्स अ ग्रेट इवेंट। लगभग 125 स्टॉल हमारे पास हैं इसमें, और डिफरेंट, जैसा मैंने आपसे कहा कि डिफरेंट वेराइटीज़ के हैं, सोशल थीम्स भी हैं, जैसे कि चाइल्ड वेलफेयर पे है ना, वुमेन एम्पावरमेंट पे है, जो कि सरकार का भी इसमें वो है। तो इस तरह की हमने सोशल थीम भी इस बार काफ़ी उठाया। उद्देश्य साहब ऐसा था कि कोई ऐसा प्लेटफॉर्म अभी तक नहीं था जिसमें कि आर्टिस्टों को, छोटे आर्टिस्टों को कोई जगह मिले और वो अपनी जो है कला का प्रदर्शन वहाँ पे कर सकें। तो ये हमने उनको दिया है जिससे कि वहाँ पे आके अपना लोग ये कला का बारे में बता सकें।